मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड व शिक्षा की बिगड़ती स्थिति के विरोध में पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे विधायक अमित कुमार टुन्ना समेत MSUI नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नगर के महसूल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। मुख्यमंत्री संगठक आलोक कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता बेटियों पर अत्याचार बंद करने, मुजफ्फरनगर गृहकांड की रिटायर्ड जज से जांच कराने आदि की मांग कर रहे थे। पुतला दहन कार्यक्रम के पश्चात नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सेवा दल के प्रदेश संगठक डॉक्टर राजीव कुमार काजू ने कहा कि रैली करना, धरना देना, आम जनता की आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मुख्य संगठक आलोक कुमार ने कहा कि बेटियों की इज्जत से खेलने वाली सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। मौके पर अविनाश कुमार, धीरज सिंह, रामजी राय, गौतम कुमार, सुरेंद्र चौधरी, राहुल पंडित, रजनीश कुमार, गोपेश सिंह, भरत भूषण, राजकुमार पटेल समेत अन्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केटियों की जिद से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, केटियों की जिद से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लाठी डंडा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारियों को निलंबित करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लाठी डंडा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस कर्मी को निलंबित करो।